सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सपना SI बनने का है तो हो जाइए तैयार, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू भी हो चुकी है जो कि 15 अगस्त तक चलने वाली है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो 16 से 17 अगस्त 2023 तक खुली रहेगी। कुल 1876 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें महिला उम्मीदवार भी SI पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। उम्मीदन अक्टूबर 2023 तक इसकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी, पर इसकी डिटेल जानकारी के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। खैर, तो क्या है इसके लिए जरूरी क्वालिफिकेशंस, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जरूरी डिटेल्स क्या है, आइए फटाफट से ये भी जान लेते हैं। तो पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप भारत के निवासी होने चाहिए और आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर या फिर समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। वहीं जो कैंडिडेट्स बैचलर या समकक्ष परीक्षा में उपस्थित हुए हैं वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कट ऑफ यानी कि 15 अगस्त या उससे पहले डिग्री होनी चाहिए। हालांकि अगर आप दिल्ली पुलिस में SI बनना चाहते हैं तो आपके पास LMV कार और मोटरसाइकिल चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ध्यान रहे, ये एलिजिबिलिटी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स को ड्राइविंग लाइसेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो नोटिफिकेशन के मुताबिक आपकी एज 1 अगस्त 2023 को 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। परीक्षा 2 टियर में आयोजित की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, क्योंकि एक पुलिस अफसर बनने के लिए कैंडिडेट्स का फिजिकली फिट होना उतना ही जरूरी होता है जितना कि शिक्षा प्राप्त करना। कैंडिडेट्स की शारीरिक दुर्बलताओं को जांचने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET का आयोजन किया जाता है, जिसका संचालन CAPF द्वारा किया जाता है। बता दें, पेपर 1 में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को PET और PST परीक्षा में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। PET और PST को क्वालिफाई और शारीरिक रूप से फिट पाए जाने वाले उम्मीदवारों को ही पेपर 2 में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। खैर, सारी जरूरी डिटेल्स अब अगर आपने जान ली है और आप अपने आप को इस पोस्ट के लिए एलिजिबल पाते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.nic.in पर विजिट करना होगा। वहां पर अपनी सभी जरूरी डिटेल्स भरकर आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंट आउट निकालना बिल्कुल ना भूलें। बता दें, इसमें ₹100 आवेदन शुल्क रखा गया है। आरक्षण के लिए पात्र महिला उम्मीदवार SC ST और पूर्व सैनिक से संबंधित उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी भी आपको पोस्ट से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन है या फिर पोस्ट से जुड़ी किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट जरूर करें। देखते रहें और करते रहें बातें UP की। नमस्कार।